बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का प्रोटेस्ट उसकी वीडियो भी आपने देखी है। बहुत अफसोस के साथ बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हुआ। मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या क्या जो है वो डिसाइड हुआ है स्टूडेंट के साथ, पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने क्या बात की है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स आपको पता है कि पूछ रहे हैं इस हवाले से जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, और आपको पता है कल से स्पेशल एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको तो कोई परेशानी की बात नहीं, और जो इन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। तो पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने ये कहा है स्टूडेंट से, वहाँ पर पुलिस भी आई है, फिर पुलिस ने स्टूडेंट्स की दोबारा मीटिंग करवाई है, लेकिन पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने पेपर कैंसिल नहीं किए। ये उन्होंने बहाना बनाया है कि हमने जो आंसर शीट्स हैं वो डिवाइड कर दी हैं, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर भेज दिए हैं, तो अब हम पेपर कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पेपर जो है वह कैसे अटैम्प्ट करने। पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने क्या कहा है इन स्टूडेंट्स से, मोहम्मद हमजा जो सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, जितना वो कर सकते थे। बीस से 25,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम्स देना है, और वहाँ पर आपको पता है वीडियो में आपने देखा कितने स्टूडेंट्स पहुँचे हैं। तो आप पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन वालों ने स्टूडेंट से ये कहा है कि आप पेपर दें, इंशाल्लाह ताला हम सब स्टूडेंट्स को पास कर देंगे। हमको पता है कि कॉलेज वगैरह क्लोज थे, एकेडमीज बंद थी, तो हम सूरत हाल को हम समझते हैं, आप पेपर दें इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स को हम पास करेंगे। ये उन्होंने कहा पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने स्टूडेंट से, तो इस प्रोटेस्ट का इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है। लेकिन अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, हम किस तरह पेपर दें। तो स्टूडेंट्स अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर सुबह नमाज पढ़ के आप जाएं, इंशाल्लाह पेपर दें, जितना आपको आता है पूरा टाइम लगाएं पेपर में, जितना पेपर का टाइम है पूरा लगाएं। ये ना हो कि आप पेपर अभी आपका जो है वो हाफ टाइम हो, आप पेपर दे के वापस आ जाए, पूरा टाइम लगाएँ, जितना आप जितनी आपकी तैयारी है उतना आप लिखें, अगर नहीं आता फिर भी आप लिखें, यानी कि जो आपकी आंसर शीट है वो आपने फिल करनी है। सारे कुछ ना कुछ जो है वो रिलेटेड बंदा लिख सकता है, ये नहीं है कि एक बंदा मैट्रिक के बाद डिप्लोमा कर रहा है फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में और वो कुछ लिख नहीं सकता। साल होता है बंदा लिख सकता है, तो आपने अब जाके पेपर अटैम्प्ट करने हैं, जितना आपको आता है मवाद वो आपने उसमें पुट करना है, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं आपने करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन वाले मुझे उम्मीद है कि आपको पास कर देंगे। तो ये जी अपडेट है, जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, सुबह उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो वो परेशान भी होंगे, और उनको पता था कि आज प्रोटेस्ट होगा, कुछ अपडेट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्टूडेंट्स की मेहनत में कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कम होने की वजह से इस प्रोटेस्ट का इतना फ़ायदा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप पेपर दें, अल्लाह ताला से दुआ है जो भी हो स्टूडेंट्स के हक में बेहतर हो। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जो भी पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए अपडेट हुए इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप आपको मिलते रहेंगे। तो फाइनली जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।